हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके चैनल SRS लर्निंग में। बेटा, ये हमारी हिंदी की कार्य पत्रक है कक्षा 2 के लिए, और जिसकी क्रम संख्या 145, हमारी दिनांक है बेटा 31 दिसंबर 2020, वर्ष का लास्ट डे। ठीक है, अब हम जब मिलेंगे, हम नए वर्ष में मिलेंगे और नया वर्ष आपके लिए बहुत सारी खुशियाँ लेके आई यही हमारी भगवान से, अल्लाह से, वाहेगुरु से दुआ है। चलते हैं बस के नीचे बाग। नमस्ते बच्चों, उम्मीद करते हैं कि आप सभी स्वस्थ व खुश होंगे। बच्चों, हमने पाठ बस के नीचे बाग पढ़ा, जिसमें बाग बस जैसी बड़ी चीज़ को देखकर हैरान हो जाता है, क्योंकि उसने पहले कभी भी क्या है एक ऐसी इतनी बड़ी चीज़ नहीं देखी। अब इस पाठ के कुछ वाक्यों को फिर से पढ़ते हैं और इस कार्य पत्रिका से कुछ नया सीखने का प्रयास करते हैं। अब हमारा क्या है, प्रश्न नंबर फर्स्ट है हमारा, नीचे लिखी पंक्तियों को पढ़िए और प्रश्नों के उत्तर दीजिए। किसी जंगल में एक छोटा बाघ रहता था। ठीक है, तुम्हारा ये हम पढ़ रहे हैं, इसको ध्यान से पढ़ें क्योंकि हमें इसके प्रश्न के आंसर भी देने हैं। हमें खेलते खेलते वह जंगल के पास वाली सड़क पर निकल गया। सड़क पर एक बस खड़ी थी। छोटे बाघ ने देखा कि बस का दरवाज़ा खुला है। बाघ अपने अगले पंजे बस की सीढ़ी पर रखकर बस के भीतर देखने लगा। ठीक है, जैसे उचक के देखते हैं ऐसे देखने लगा। क्वेश्चन आंसर करते हैं, छोटा बाघ कहाँ खेल रहा था, कहाँ खेल रहा था, जंगल में। हम क्या लिख देंगे, जंगल, हमें सिर्फ वर्ड लिखने हैं। बाघ को सड़क पर कौन सा वाहन दिखाई दिया, कौन सा वाहन दिखाई दिया, बस। कौन सा दिखाई दिया, बस। ठीक है, कौन सा दिखाई दिया, बस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि बच्चों, आप बस में बैठकर कहाँ कहाँ गए, कहाँ कहाँ गए हैं। हम पिकनिक पे गए हैं, नानी के गए हैं, नानी के, दादी के, ठीक है, और पिकनिक, पिकनिक, जब स्कूल की पिकनिक होती थी हम क्या जाते थे ना, तो पिकनिक। ठीक है, तो हमने ये लिख दिया। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन कि इस पाठ में बाघ डरकर बस के नीचे दुबक गया। यदि आप बाघ की जगह होते तो आप क्या करते, हम भी क्या है दुबक जाते, अपनी मम्मी या अपनी बहन भाई के पीछे क्या है दुबक जाते, हमें सिर्फ बताना है। तो आप भी क्या करते, यदि आप बाघ की जगह होते तो आप भी क्या करते, आप, हम भी डर के मम्मी या दादी के पीछे दुबक जाते। ठीक है, आप भी लिख देंगे ना ऐसे, या वैसे लिखने को कहानियाँ बोल के भी कर सकते हैं कि हम भी डर के मम्मी या दादी के पीछे दुबक जाते। चलो अब आगे चलते हैं कि इस पाठ में हमने बाघ के बारे में पढ़ा। बाघ जंगल में रहता है। आपने भी अपने आसपास कहीं जानवर पक्षी देखे होंगे, नाम जानवर कौन से, हमने जानवर कौन से देखे, हमने तो सॉरी हमने जानवर कौन सा देखा है, हमने हमने देखा है कुत्ता, बिल्ली, गाय, घोड़ा। ठीक है, हमने क्या ये देखे हैं। ठीक है, मोस्टली हम यही देखते हैं अपने आसपास। तो आप लिखते हैं ना, कुत्ता, बिल्ली, गाय, घोड़ा। ठीक है, आप चलते हैं पक्षी पे। पक्षी कौन कौन से देखा आपने, तोता, चिड़िया जो आप रोज देखते हैं, कबूतर और कौवा। ठीक है, अधिकतर हम यही देखते हैं तो हम यही लिखे हैं, कौवा, क्रो जिसको बोलते हैं। हमारा ये पूरा हो गया। आप चलो आगे चलते हैं कि आपने कई वाहन देखे होंगे, क्या आपने कभी किसी वाहन, किसी गाड़ी के पहिए गिने हैं। पहियों की संख्या के आधार पर तालिका में हमें अलग अलग गाड़ियों के नाम लिखे, जैसे साइकिल, साइकिल के दो पहिए होते हैं, ऐसे ही दो पहिए किसके होते हैं, स्कूटी के, जो आपकी स्कूटी होती है, स्कूटर होता है, स्कूटी अलग है, स्कूटर अलग है, स्कूटी के। और क्या है, मोटरसाइकिल के, मोटरसाइकिल के क्या होते हैं, दो पहिए होते हैं, मोटर साइकिल। ठीक है, पहले आप ये लिखें दो, फिर हम मिटोते हैं, क्या स्कूटी और मोटरसाइकिल। अब तीन पहिए किसके देखे हमने, रिक्शा के। और क्या ऑटो, जो आपका हरा हरा सा हरा और पीला होता है, ऑटो के हमने क्या है, ऑटो के हमने देखे हैं। और क्या हमने ठेला, ये ऐसे आएगा बेटा, और ठेला, ठेला जिसपे क्या है, लोग, लोग ठेले के भी, ठेला के भी हमने हमने तीन पहिए होते हैं, जैसे जो किस पे सामान लेके जाते हैं ना, वो वाला ठेला, उसके भी तीन होते हैं। अब क्या है, चार पहिए वाले, कार है, बस है, मिनी बस भी होती है, या जीप, जो जीप होती है उसके भी क्या होते हैं, ठीक है, अलग, उसके चार पहिए होते हैं। ठीक है, तो हमारी पूरी हो गई। अब क्या है कि बच्चों के साथ पहले कभी भी
की गई यात्रा के बारे में उनसे बात करें और जानें कि बच्चों किस वाहन पर यात्रा, ये आप क्या है अपने आप बताएं कि आपको किस में आनंद आता है। शायद किसी बच्चे को आता हो गाड़ी में, किसी को बस में, तो आप अपने पेरेंट्स के साथ चर्चा कीजिए। तो बच्चों ये आपकी सेकेंड क्लास की वर्कशीट है, मुझे उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। तो लाइक का बटन दबा के जरूर बताइए साथ में। अब बच्चों हमेशा खुश रहिए, हमारी यही दुआ है। और अब मिलते हैं नए वर्ष के साथ। नए वर्ष आप सबको बहुत ही खुशियां दे, यही हमारी प्रार्थना है। ठीक है बच्चों, चलो अब मिलते हैं आगे की वर्कशीट के साथ।